गुड मॉर्निंग बच्चों, विद्या व्यास सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकड़िया ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः मैं आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। हमारा जो टॉपिक है, हमारी जो क्लास है वो छंद के ऊपर चल रही थी। छंद का जो ज्ञान है उस क्लास में हमने ग्रहण किया था, उसके नियम है, उनकी कुछ जो विशेष छंद होते हैं उन सभी का हमने एक एक करके क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया था। अब इसके बाद में अगला जो छंद है हमारा, उसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस छंद की विशेषताएं लगभग आप सभी बच्चों को विदित है, लेकिन एक बार पुनः उसका मैं अध्ययन आपको करवा देता हूँ, क्योंकि ये छंद है, यह है छंद हमने पहले पढ़ रखा है, ये छंद हमने पहले पढ़ रखा है। उस छंद को एक छंद है जिस जो हमने पहले पढ़ रखा है, उस दो छंदों को मिला करके ये नया छंद बनाया जाता है। उन दो छंदों को मिला दिया जाता है एक साथ और उन दो छंदों को मिला करके नए छंद का निर्माण कर दिया जाता है। तो पहले देखिए हम उनकी मात्राएं लगाते हैं, मात्राएं लगाने के बाद में आपके ध्यान में आ जाएगा कि ये छंद कौन सा है और हम कौन से छंद का अध्ययन करने वाले हैं। हे देवी, ये नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे ना। देखिए नियम, देखिए इसका पहला है वो गुरु, गुरु और गुरु, तीनों में कौन सी मात्राएं लगी, गुरु मात्राएं लघु 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 और लघु। इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर यति लगाई, यहाँ पर क्या लगी हुई है, यति लगी। आगे देखिए गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु और गुरु। अगले बार में देखिए लघु 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 और गुरु गुरु लघु गुरु मात्रा लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु और गुरु मात्रा। आगे देखिए गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु और गुरु। इसके बाद में इसमें कोमा लगी हुई है, इसके बाद में इसमें क्या लगी हुई है, जगत में नहीं लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु और गुरु। गुरु मात्रा लघु सॉरी गुरु मात्रा गुरु लघु 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 और गुरु। उसके बाद में कोमा है गुरु लघु गुरु 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 और सब में गुरु। अब देखिए इसमें मात्राओं की हमने गणना करनी है, गणना का अर्थ होता है गिनती करना। अब गिनती करते हैं तो गिनती करने का नियम आपको बता रहे हैं, बहुत से स्वर है जो लघु मात्रा है उसकी संख्या एक मानी जाएगी और जो गुरु मात्रा है उसकी संख्या कितनी मानी जाएगी, दो मानी जाएगी। दो चार छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस और चौबीस, प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्रा है, चौबीस मात्रा है। जो किस प्रकार से दो चार छह सात आठ नौ दस ग्यारह, पहले में ग्यारह दूसरे में तेरह, अगले वाले में देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह,
कौन सी स्थिति प्रकट हो रही है? पहले में 11, दूसरे में 13, तीसरे चरण में 11 मात्रा और चौथे चरण में 13 मात्रा। यहाँ तक तो हो गई। अब आगे देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इस चरण में भी कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 13 कितनी मात्राएं हो रही है? 13, 11 हो गया, 11 से 11 से भी हो रही है। यानी पहले सम चरणों में सम चरण कौन सा होता है? दूसरा और चौथा। तो सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं आ रही है? 13, 13 मात्राएं। और विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं आ रही है? इस साइड में 11, 11 मात्राओं का प्रयोग किया गया है। अगर ऐसी स्थिति किसी काव्य पंक्ति में होती है तो उसे छंद का नाम होता है सोरठा छंद। उस छंद का नाम क्या होता है? सोरठा, जो दोहे का उल्टा होता है या विपरीत लक्षणों वाला होता है, जिसका अध्ययन हमने पिछले वाली क्लास में कर लिया था। अब देखिए इस छंद की विशेषता क्या होती है? सोरठा छंद है, सोरठा छंद के बारे में आप सब जानते हैं। दो सोरठा छंदों को मिला करके क्या किया जाता है? छंद का निर्माण किया जाता है। छंद का नाम दिया जाता है रोला छंद। दो सोरठा छंदों को मिलाकर के एक नया छंद बना दिया जाता है और उसको नाम क्या दे दिया जाता है? रोला छंद, उसका नाम दे दिया जाता है। आगे देखिए इसका पहला नियम यह है मात्रिक छंद होता, मात्रिक छंद होता कौन सा? मात्रिक संछंद होता है, सॉरी मात्रिक छंद होता है। दूसरा इसका नियम है इसमें इसके प्रत्येक चरण में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती है। इसमें यति क्रमश 11 व 13 मात्राओं पर लगती है। यति क्रमश 11 व 13 मात्राओं पर लगती है। 11 पर और 13 यति क्रमश 11 और 13 पर लगती है या होती है। अगला है तुक प्राय समचरणों में होता है। तुक प्राय सम या दो चरणों में होता है। तुक प्राय दो चरणों में होता है। यह हो गया ऐसा चौथा नियम। तुक प्राय दो चरणों में मिलके होता है। ये छंद और इसका मूल नियम है यह है छंद दो सोरठा छंदों को मिलाकर बनाया जाता है। अंतिम और महत्वपूर्ण नियम है ये जो छंद है दो सोरठा छंदों को मिलाकर के बनाया जाता है।
देखो बच्चों, अगला हमारा जो छंद है अनिश्चंद, आप पढ़िए। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखी संग, गहरे नद नाला जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दवा गीर होइता हमको झरे, कह गिरधर कविराज सुनो तुम्हें मेरी बाटी, सब हथियारों को छोड़ हाथ में लीजिए लाठी। तो इसमें पहली विशेषता ये हो गई सिंपल सी साधारण सी, इसकी पहली या प्रथम विशेषता आपने अगर इसका उच्चारण किया, उच्चारण करके या कोई पार या एक शब्द या एक विशेषता के अंग्रह होगी, इससे ये जो छंद है जिस शब्द से शुरू हुआ था, जिस शब्द से शुरू हुआ था, शुरू बन से सबसे हुआ था लाठी, और उसे सबसे ये छंद समाप्त हो रहा है, उसी छंद से ये क्या हो रहा है, उसी शब्द से ये छंद समाप्त हो रहा है। तो इस छंद की मूल रूप से सबसे पहली और सबसे सिंपल या साधारण सा इसका तरीका है इसको पहचानने का कि इसमें कौन सा छंद है, तो कोई भी छंद है जिस शब्द से शुरू होता है और उसी शब्द से वह समाप्त हो जाता है, उससे छंद का नाम सबसे सरल और सबसे आसान बन जाता है। सबसे आसान है उस शब्द का, उस छंद का नाम याद रखने के लिए, यानी जिस शब्द से शुरू हुआ और उसी शब्द से समाप्त हुआ, जिस शब्द से ये शुरू हुआ था उसी शब्द से ये छंद क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। अगली विशेषता है इसकी हम निकालने का प्रयास करते हैं, लाठी में गुण बहुत है। पहले किसी भी से आप मात्राएं देखिए, लाठी में गुण बहुत है, दो चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह। अगला है एक बार भी करता हूं मैं, पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं, तेरह, दो चार छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह। अगले में देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और ग्यारह। तो पहले स्थिति क्या बन गई, तेरह और ग्यारह। अगले में देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह। तीसरे चरण में कितनी मात्राएं आ रही है, तेरह। अगला, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस और ग्यारह। तो पहली कंडीशन, पहली स्थिति हमें क्या दिख रही है, तेरह ग्यारह, तेरह ग्यारह, ठीक है, तेरह ग्यारह और तेरह ग्यारह। अब पहले ध्यान से इसको समझ लेते हैं, तेरह ग्यारह मात्राएं कौन से छंद में पाई जाती है आपको विदित होगा, क्योंकि उस छंद का अध्ययन आपने पिछले वाली क्लास में कर लिया था। तो तेरह ग्यारह और तेरह ग्यारह मात्राएं कौन से छंद की विशेषताएं होती है, कौन से छंद की विशेषता होती है, दोहा छंद, तेरह ग्यारह तेरह ग्यारह कौन से छंद की विशेषता होती है, दोहा छंद की। अगले देखिए, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह सॉरी ग्यारह, यहां पर घुमा है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह। अब देखिए बच्चों, ग्यारह तेरह और ग्यारह तेरह मात्राएं
फारसी छंद की विशेषता होती है जो दोहा छंद के बिल्कुल विपरीत लक्षण वाला होता है। दोहा छंद के बिल्कुल विपरीत लक्षण वाला जो छंद होता है उसका नाम होता है सोरठा छंद, उसका नाम होता है सोरठा छंद। पांचवा छंद की ये विशेषता होती है 11, 13, 11 और 13 यानी समचरणों में 11-11 मात्रा और विषम में 13-13 और विषम चरणों में 11-11 मात्रा सोरठा छंद में होती है और समचरणों में 11 और विषम में 13 मात्राएं कौन से छंद में होती है दोहा छंद में पाई जाती है। अब यहां तक तो आप समझ गए, आगे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितनी मात्राएं 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 यानी ये भी कौन से छंद का लक्षण है सोरठा छंद का ही लक्षण है। और आपको विदित है कि दो सोरठा छंदों से मिलकर के क्या बनाया जाता है, कौन सा छंद बनता है, अभी आपने जो पढ़ा था जिसका नाम था रोला छंद। दो सोरठा छंदों से मिलकर के कौन सा छंद का निर्माण होता है, रोला छंद का निर्माण होता है। आगे देखिए इनको मिटा दो एक बार, आप हेलो भी में काम करो तो ये मत देखना, सीधे ही समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है ताकि आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। बाद में ये मिटा रहा हूं, आप हेलो भी में इनको साथ में मत लिखना। आगे देखिए, अब इसका जो नियम है इस छंद को पहले तो क्या कहा जाता है, कौन सा छंद कहा जाता है, इसका नाम देखिए कुंडलिया, इसका नाम होता है कुंडलिया छंद, इसका नाम होता है कुंडलिया, सॉरी ये शब्द बीच में आ रहा है तो साफ कर दूं एक बार, कुंडलिया छंद। देखिए भविष्य की विशेषता है कि यह इसका पहला नियम बन जाएगा, नियम नंबर 1 पहला नियम क्या कहेगा इसका, यह विषममात्रिक छंद होता है क्योंकि सब में सामान्य होती है, विषम मात्रिक छंद होता है। पहली स्थिति ये हो गई या पहला नियम हो गया ये विषम मात्रिक छंद होता है। दूसरा नियम यह है छंद दो छंदों दोहा व दूसरा छंद कौन सा है रोला छंद से मिलाकर बनाया जाता है। पहली स्थिति है ये छंद दो छंदों दोहा व रोला छंद से मिलकर बनाया जाता है। पहला इसमें जो छंद है वो दोहा होता है, पहले दो चरण दोहे के और फिर अंतिम चार पंक्तियां इसकी होती है रोला छंद की पाई जाती है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं, कुल 6 चरण होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6
इसमें कुल छह चरण पाए जाते हैं। अगला है इसके प्रथम दो चरणों में दोहा वर्ण अंतिम चार चरणों में रोला छंद होता है। अंतिम चार चरणों में कौन सा छंद होता है? रोला छंद होता है। आगे देखिए इसकी अगली विशेषता है नंबर पांच। इसकी विशेषता है वो देखिए आप इसको एक बार पढ़िए और पढ़ने के बाद विशेषता निकालिए। लाल त्रिगुण बहुत है सदा राखी संग, गहरे रंग लाला जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग। अब आप जानते हैं यहाँ से दोहा छंद है, यहाँ से कौन सा छंद है? दोहा, यानी पहले वाले दो है वो कौन से छंद की है? दोहा की। और अंतिम चार है वो कौन से छंद की है? रोला छंद। तो पहले वाली दोहा छंद की जो अंतिम पंक्ति है तहां बचावे अंग, उसी पंक्ति से रोला छंद का पहला चरण शुरू होता है। इसके दोहा छंद के छंद के अंतिम चरण को रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है, दोहराया जाता है। जो पहला दोहा छंद है उसका जो अंतिम चरण है उसको इसमें दोहराया जाता है, रोला छंद के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। अगली विशेषता हो जाएगी इसकी छठी। ये छंद जो कि महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी ध्यान रखना, आपको छंद की पहचान करनी है तो ये नियम याद रख लेना, केवल आपसे नाम पूछे कभी तो आप इसका तुरंत ही नाम दे पाओगे, सटीक उत्तर दे पाओगे, यानी सही जवाब दे पाओगे। और वो विशेषता है यह छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से समाप्त होता है। ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता है, सबसे आसान नियम कि ये छंद जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से ये समाप्त हो जाता है। तो पहले इसका ये उदाहरण लिखिए, पहले नाम लिखिए उंगलियां छंद के लिए उदाहरण, और फिर इनके नियम है जो छह नियम है वो नियम लिखे लीजिए। आसान सा सरल सा उंगलियां छंद है जिसकी एक मुख्य विशेषता है ये जिस छंद से शुरू होता है जिस शब्द से शुरू होता है उसी सबसे जाकर के समाप्त होता है। ओके बच्चों, धन्यवाद।